क्लास 10 की फिजिक्स में विद्युत धारा से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देख लिए थे। विद्युत धारा क्या है, ओम का नियम क्या है, प्रतिरोध क्या है, विभवांतर क्या होता है, किसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होता है, इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करके क्लास में हुई थी। आज हम लोग देखें उसके पार्ट टू में कि प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध क्या होता है, अर्थात एक से अधिक प्रतिरोध को यदि हम जोड़ते हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। जोड़ने की दो विधियां हैं, एक तो क्या है कि हम इस हिसाब से जोड़ेंगे, यानी इसका माइनस, इसका प्लस, फिर इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, अगर तीन जोड़े हुए हैं और एक का R1, एक का R2, एक का R3 है, तो इनके जो समतुल्य प्रतिरोध R1, R2, R3 का योग के बराबर हो जाता है, जिसको हम आगे क्लियर कर रहे हैं। ऐसे समूहन को श्रेणी क्रम संयोग समूहन कहा जाता है। श्रेणी क्रम समूहन क्या हुआ कि एक के बाद दूसरा जोड़ दिए, यानी एक का धन ध्रुव दूसरे एक के एक का ऋण ध्रुव दूसरे के, क्या हुआ यहाँ देखिए, प्लस है माइनस है, फिर माइनस प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, तो एक का धन दूसरे के ऋण, दूसरे का धन तीसरे का ऋण। अब देखेंगे टॉर्च में जो बैटरी लगाते हैं तो क्या करते हैं, एक के बाद दूसरा लगा देते हैं, ये हो गया श्रेणी क्रम समूह। ठीक है, दूसरा समूहन की विधि है, इसके हिसाब से विद्युत सर्किट बनाया जाता है। दूसरा समूहन क्या है कि हम एक के ये समांतर में डालेंगे, तीनों को समांतर में डालेंगे, जैसे तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 था, R1 के नीचे R2, R2 के नीचे R3, और तीनों को हम फिर से जोड़ दिए। अब इस दोनों में आप फर्क क्या देखें, ठीक है, इस दोनों में आप क्या फर्क देख रहे हैं, किसमें विभवांतर की मात्रा समान होगी और किसमें धारा की मात्रा समान होगी। ऐसे को समांतर समूहन या पार्श्वक्रम समूहन कहा जाता है, और जिसमें एक के बाद एक के बाद एक जोड़ा जाता है उसको श्रेणीक्रम समूहन कहा जाता है। ठीक है, तो श्रेणीक्रम समूहन को अब आप देखें कि इसका जो है समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। सबसे पहले तो यह देखिए कि श्रेणीक्रम समूहन में चूंकि एक के बाद एक जोड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर देखिए इस दोनों के बीच विभवांतर का तो अंतर हो जाएगा, लेकिन प्रवाहित धारा का मान सेम है कि नहीं। दो छोर आए, तीन के बाद छोर डेवलप हुआ तो दो छोरों के बीच विभवांतर का मान चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रवाहित धारा क्योंकि एक सीरीज में है, एक साथ है, प्रवाहित धारा का मान सेम होगा। यह आपका श्रेणीक्रम समूहन है, और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है कि श्रेणीक्रम समूहन में इनमें क्या समान रहता है, धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, इस तरह से विकल्प हो सकते हैं। क्या समान होता है, करंट समान होता है, धारा का मान समान होता है। ठीक, अब जब धारा का मान समान है तो अब इसको हम मान लीजिए कि विभवांतर अगर V1, V2 और V3 है तीनों का क्रमशः, और V=IR आप ओम के नियम से लाए थे तो V=IR आया। अब IR आया तो पहले का जो V1 होगा, I का मान तो समान है सब में, श्रेणीक्रम में आप क्या देखें कि धारा समान है, I1, I2, I3 नहीं होगा, धारा ज्यों का त्यों रह जाएगा, तो IR1 होगा, V1=IR1। V2 ले लेंगे IR2, मतलब दूसरे के विभवांतर दूसरे के प्रतिरोध, ठीक है, तीसरे का V3=IR3। ठीक है, अब आप देखें कि तीनों को यदि आप जोड़ते हैं तो V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों का जो विभवांतर हुआ उसी को भी मान, तो V=2 हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V की जगह यदि आप IR डालते हैं तो IR=, V1 का मान है IR1, V2 का मान है IR2 और V3 का मान है IR3। तो यह कितना हो गया, यहाँ से देखिए I कॉमन ले लिए तो I समय से कट गया, तो R=R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। ठीक,
अर्थात श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं उनका बीजीय योगफल के बराबर होता है। एक का 2 ओम है, एक का 4 ओम है, एक का 6 ओम है। समतुल्य प्रतिरोध 6 में 4 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा, तो 12 ओम हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में आप यदि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो बना देंगे हम, एक दो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी इसमें करा देंगे आपको। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 है यानी 20 ओम है तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र भर में दिखाए गए अनुसार संयोजित है, ठीक है। परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित करनी है। देखिए यहाँ एक तो 20 ओम है और एक 4 ओम का चालक धारा है, वी है 6 वोल्ट, ठीक है। आपको निकालना है धारा और चालक के सिरों के बीच का विभवांतर। अब देखिए कैसे बने, दो प्रतिरोध है, एक है R1 एक है R2। समतुल्य प्रतिरोध 2 है, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20 और 4 24 ओम आपका R हो जाएगा। क्लियर हो गया। भी है 6 वोल्ट दिया हुआ, तो भी इजकल टू आई आर, तो आई इजकल टू भी वाई आर। भी हम लेंगे, आर लेंगे कौन, भी तो 6 वोल्ट है ही, आर कौन लेंगे जो समतुल्य प्रतिरोध आया है यानी 24 ओम आया है, तो 24 ओम लेंगे, ठीक। इस प्रकार धारा का मान आ गया आपका 0.25 एम्पीयर, ठीक। अब कहता है यदि विद्युत लैंप तथा चालक पर अलग अलग करने पर उनके बीच का विभवांतर क्या होगा, तो विभवांतर क्या होगा, तो यह जो है 0.25 एम्पीयर की धारा उस बल्ब पर पहुंच रही है तो उस बल्ब का प्रतिरोध कितना है 20 ओम, ठीक है। तो 20 ओम है और धारा है कितना, धारा तो निकाल धारा निकल गया 0.25 एम्पीयर आ गया, विभवांतर निकलेगा वी इक्वल टू आई आर, तो आई गुने आर कर दिए तो 5 वोल्ट, ठीक। चालक के सिरों के बीच का विभवांतर क्या कैसे निकालेंगे, तो उसका 4 ओम है और 0.25 एम्पीयर धारा है तो 1 वोल्ट हो गया। इस प्रकार हम दिए गए परिपथ में से कोई भी मान निकाल सकते हैं। अब देखिए कि समांतर क्रम जिसको पार्श्व क्रम भी कहा जाता है यदि उसमें संयोजित है सेल तो उसकी प्रतिरोधकता या जो कहेंगे कि समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालें, ठीक है। जैसे देखिए R1 R2 R3 ये क्या है समांतर क्रम में जो है, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि अब आप बताइए कि यहाँ समांतर क्रम में है यानी यहाँ से ये बट गई, क्या बट गया, विभवांतर बट गया कि धारा बट गया, निश्चित तौर पर करंट बढ़ गया, यानी ऊपर वाले में क्या था धारा सेम था, सेम धारा प्रवाहित हो रही थी तीनों से, यहाँ क्या हुई धारा ही बढ़ गया, विभवांतर सेम हो गया, ठीक है। श्रेणी क्रम में क्या था विभवांतर बदल रहा था, धारा का मान सेम था, और समांतर क्रम में धारा का मान क्या हो रहा है चेंज हो जा रहा, बट जा रहा, विभवांतर सेम हो रहा। बस उसी कंसेप्ट को लेंगे, मान लीजिए कि इसका I1 है प्रवाहित धारा I2, I1 ले लिए, इसका R2 है प्रवाहित धारा I2, I2 क्यों लिए जो कि धारा को I से व्यक्त करते हैं, इसका प्रतिरोध R3 है प्रवाहित धारा I3 ले लिए, भी कॉन्स्टेंट रहे, भी इजकल टू आई आर वही फॉर्मूला हम लिए इसमें भी, है ना। तो तीनों का जो प्रतिरोध होगा धारा होगा पृथक धारा का योगफल होगा I इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, भी इजकल टू आई आर, I इजकल टू वी बाई आर होता, ठीक है। तो I1 इजकल टू वी बाई R1, वी क्यों कॉन्स्टेंट, चूंकि वी कॉन्स्टेंट है विभवांतर कॉन्स्टेंट है इसमें अचर है, I2 इजकल टू वी बाई R2 और I3 इजकल टू वी बाई R3। अब ये I जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 ये तीनों को जोड़े क्या आ गया वी बाई, जो R हो गया यह हो गया वी बाई R1 प्लस वी बाई R2 प्लस वी बाई R3। भी इसमें भी कांस्टेंट ले लिए इसमें भी कांस्टेंट ले लिए तो बी भी कट गया, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है।
या संतुलित प्रतिरोध आ गया, यानी जो संतुलित प्रतिरोध होगा उसके व्युत्क्रमों के जितने प्रतिरोध हैं उसके व्युत्क्रमों के योग के बराबर। ठीक, संतुलित प्रतिरोध का व्युत्क्रम है ना, बाकी जितने भी प्रतिरोध होंगे उसके व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। व्युत्क्रम मतलब 5 का व्युत्क्रम 1/5, 6 का व्युत्क्रम 1/6। ठीक है, ये संतुलित प्रतिरोध निकाली जाए। देखिए यहाँ आरपी लिखा हुआ है, आरपी से कंफ्यूज नहीं होंगे, पी फॉर पैरेलल हो गया। ठीक है, और आर एस लिखता है संतुलित प्रतिरोध में, वो श्रेणी क्रम में, तो एस फॉर सीरीज हो गया। ठीक है, तो आरपी लिखा हुआ है, संतुलित प्रतिरोध निकालने आ गया आपको। अब इस पर भी एक न्यूमेरिकल आप देख लेंगे तो आपका आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन सर कि आर वन आर टू और आर थ्री के मान 5 ओम 10 ओम और 30 ओम है, इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है, प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा अलग अलग निकालना, इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा, वी बाई आर होता है 12/5, 12/10, 12/30। ठीक है, तो उसके बाद परिपथ प्रवाहित कुल विद्युत धारा यानी आई का मान I1 प्लस I2 प्लस I3 निकालना है, कुल प्रतिरोध यानी 1/I=1/I1+1/I2+1/I3 का प्रयोग करना। ठीक है, कैसे बनाते हैं, I1 से प्रवाहित धारा I=12/5 क्लियर हो गया, I2 से 12/10 और I3 से 12/30, इसकी अलग अलग धारा आ गई, कुल धारा हो गई तीनों का योग तो 4 एम्पियर आ गया। तीनों को जोड़ दिए 2.4, 1.2 और 0.4 को जोड़ दिए 4 एम्पियर आ गया, धारा निकलने आ गया। अब संतुलित प्रतिरोधक निकालेंगे तो 1/R=1/I1+1/I2+1/I3, I1 5 है, I2 10 है, I3 30 है, 1/5, 1/10, 1/30, 1/3 आया तो 1/R=1/3 आया, I=3 आ जाएगा तो 3 ओम हो गया इसका संतुलित प्रतिरोध। ठीक है, अब जो है अब आपको यह भी देखना है कि यदि ऐसा हो कि अगर श्रेणी क्रम और मिश्रित समूह में श्रेणी क्रम भी और समांतर क्रम में भी तब कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ देखिए R1 R2 है, अब ये समांतर क्रम में है, यहाँ 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 R1 R2 R3 है, ये समांतर क्रम में, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में, तो इसका 1/I1+1/I2 करके इसका निकाल दिए, 1/I1+1/I2+1/I3 करके इसका निकाल दिया, इसका जो माना है दोनों को फिर जोड़ दिए, सिंपल जोड़ दिए, 10 आया, ये 20 आया, 30 हो जाएगा। ठीक है, मिश्रित में भी कंफ्यूज नहीं होना। जैसे क्वेश्चन देखिए, I1 का मान है 10 एम्पियर, सॉरी 10 ओम, R2 का मान है 40 ओम और R3 का 30 ओम, R4 है 20 ओम, यहाँ R4 था, हाँ, और I5 का मान है 60 ओम, तीनों को 12 वोल्ट से जोड़ दिया गया है। ठीक है, परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होगा और परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा का मान ज्ञात करना। ठीक है, सबसे पहले तो इसका हो जाएगा 1/10 और 1/40, ई आ जाएगा 5/40 यानी 1/8 यानी ई हो गया 8। ठीक, उसी तरह से यह है 1/2 कितना, 10 40 हो गया, 1/30 जो 1/20 जो 1/60 है ना, हल कीजिएगा, ये 6/60 यानी 1/10 यानी 10 आ गया, तो ये 10 है, यह आपका 8, टोटल हो गया 18, क्लियर हो गया, तो 18 ओम पूरा कुल प्रतिरोध तो पता हो गया। अब है कि विद्युत धारा का मान प्रत्येक के लिए परिकलित करना, तो I=V/R, तो 12 वोल्ट से 18 ओम में भाग दिए, कितना आ गया 0.67 एम्पियर की धारा पूरे परिपथ में प्रवाहित। इस प्रकार आप समझ गए, अब जो ये जो आप सजावट में जो लड़ियां लगाते हैं वो सब क्या है। ठीक है, सब में आप देखिएगा कि वहां समांतर क्रम में रहता है, और आप कहीं देखेंगे विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, ये सब कुछ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो आवश्यकता के अनुसार है ना, कि अब है कि श्रेणी क्रम से पहन की हानि क्या होती है। हानि क्या है कि अगर एक
अगर उपकरण में धारा का प्रवाह बंद हुआ तो पूरा उपकरण काम करना बंद कर देता है। लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं है। अब देखेंगे कि लवी जब लगाता है सजावट का, तो कोई जो है ऐसा होता है कि नहीं जलता है, कोई जलता रहता है समांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि धारा बट गई है, एक में प्रवाहित नहीं होने से दूसरे पर उसका इफेक्ट नहीं। समझ में आ गया?